हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप चौधरी हिंद स्वराज स्कूल की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज हम क्लास फोर्थ का इंग्लिश का लेसन फोर पढ़ने वाले हैं, जिस लेसन का नाम है यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यानी कि एकता ही शक्ति है। यूनिटी एकता और स्ट्रेंथ शक्ति। तो इसमें हम जो है चार बुल्स के बारे में कहानी पढ़ने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Once four bulls lived together in a field. Once means एक बार, चार सांड lived रहते थे together एक साथ in a field एक खेत में। एक बार चार बैल या सांड एक साथ एक खेत में रहते थे। There was plenty of grass for all of them. Plenty पर्याप्त मात्रा में यानी काफ़ी, वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में घास थी उन सभी के लिए। They fed on grass. Fresh grass and were living happily. वे ताजी घास पर जो है निर्भर थे, यानी कि अच्छे से उसे खा रहे थे। And were living happily, और जो है खुशी से रह रहे थे। No animal would fight them. कोई भी पशु उनसे लड़ता नहीं था। Even the lion dared not do so as they always stayed together. यहाँ तक कि शेर की भी हिम्मत नहीं होती थी। Dared यानी कि हिम्मत, नोट नहीं होना, शेर की भी हिम्मत नहीं होती थी उनसे लड़ने की। सो एज, ऐसा इसलिए था एज क्योंकि दे ऑलवेज स्टेड टुगेदर, वो हमेशा स्टेड रहते थे टुगेदर एक साथ। इफ़ ही वर टू फाइट वन, अगर एक को किसी से लड़ना होता था, ही वुड हैव टू फाइट ऑल द फोर, तो चारों ही उससे लड़ते थे किसी से। वैन एवर देयर वाज ए डेंजर, जब भी कभी खतरा होता था, वैन एवर जब भी, ऑल ऑफ देम स्टार्टेड बेलोइंग, सब एक साथ लड़ना शुरू करते थे। वन डे द लॉयन थॉट ऑफ ए प्लान टू किल द बुल्स, एक दिन शेर ने एक प्लान के बारे में सोचा कि किस प्रकार से इन बैलों को मारा जाए। फर्स्ट ही वेंट टू वन ऑफ द बुल्स, पहले वो एक बैल के पास गया। एंड विस्पर्ड कॉन्फिडेंटली, विस्पर्ड यानी कि धीरे से कान में कहना, कॉन्फिडेंटली यानी कि पूरे भरोसे से, इन टू हिज ईयर उसके कान में कहा, द अदर बुल्स गेट मोर ग्रास देन यू, कि बाकी जो बैल हैं वो तुमसे ज़्यादा घास प्राप्त करते हैं। यू हार्डली ईट योर शेयर ऑफ द ग्रास, तुम्हें मुश्किल से ही अपना जो शेयर है घास का वो मिल पाता है। दिस इज नॉट राइट फॉर योर फ्रेंड्स टू डू, ऐसा करना तुम्हारे दोस्तों के लिए सही नहीं है। द लॉयन वेंट राउंड एंड सेड दिस इन टू द ईयर ऑफ ईच ऑफ द फोर बुल्स, शेर एक एक करके सभी बैलों के पास जाता है और हर एक के कान में यही बात कहता है। क्या कहता है कि भाई दूसरे वाला जो बैल है उसे तुमसे ज़्यादा घास मिलती है। ही वॉज वेरी हैप्पी विद द ट्रिक ही हैड प्लेड, वो जो शेर था इस अपनी ट्रिक से, जो युक्ति उसने सुझाई, ट्रिक युक्ति को कहते हैं, इस युक्ति से बहुत खुश था जो उसने खेली थी। नाउ आई थिंक देयर यूनिटी विल नॉट लास्ट लॉन्ग, अब शेर ने सोचा कि अब मुझे लगता है कि जो उनकी यूनिटी है, यूनिटी यानी कि एकता, विल नॉट, नहीं रहेगी लास्ट लॉन्ग, लंबे समय तक, कि उनकी एकता लंबे समय तक नहीं रहेगी। दे वॉन्ट लिव इन पीस एनी लॉन्गर, वॉन्ट का मतलब होता है विल नॉट, दे विल नॉट लिव इन पीस एनी लॉन्गर, पीस शांति, और एनी लॉन्गर और अधिक नहीं, वो अब शांति में और अधिक नहीं रहेंगे। दे विल सून क्वेरल विद वन अनदर, वो जल्दी ही क्वेरल लड़ेंगे विद साथ में, वन अनदर एक दूसरे के, वो जल्दी ही एक दूसरे के साथ में लड़ेंगे। एंड आई विल बी एबल टू किल देम, एंड आई विल बी, और मैं हो पाऊंगा एबल, योग्य टू किल देम, किल मतलब मारना, देम उनको, और मैं उनको मारने के योग्य हो पाऊंगा, वन बाई वन, एक एक करके। थॉट द लॉयन, शेर ने सोचा, शेर ने ऐसा सोचा कि अब मैं उनको एक एक करके मार पाऊंगा, क्योंकि मैंने उनके सबके कान में ये कह दिया है कि भाई तुम्हारे जो दूसरा वाला बैल है वो तुमसे ज़्यादा घास खाता है, तो अब वो जो है एकता के साथ नहीं रहेंगे। तो आइए देखें आगे क्या होता है कहानी में। आफ्टर दैट डे, उस दिन के बाद, द बुल्स डिड नॉट ट्रस्ट वन अनदर, जो बैल थे उन्होंने ट्रस्ट यानी कि विश्वास करना, वन अनदर एक दूसरे पर, उन्होंने एक दूसरे पर विश्वास नहीं किया। ईच बुल थॉट दैट, हर एक बैल ने सोचा, दैट की, द अदर्स गोट टू मच ग्रास वाइल ही हिमसेल्फ गोट टू लिटिल, हर एक ने सोचा कि जो बाकी दूसरा बैल है उसे टू मच, टू मीन्स बहुत, और टू मच बहुत ज़्यादा ग्रास, दूसरे वाले बैल को ज़्यादा घास मिलती है, वाइल ही हिमसेल्फ
वाइल मीन्स जबकि, ही हिमसेल्फ वह स्वयं गोट प्राप्त करता है टू लिटिल बहुत कम, जबकि वह स्वयं बहुत कम घास प्राप्त करता है. सो दे नो लॉन्गर स्टे टुगेदर, सो इसलिए दे वे नो लॉन्गर अब नहीं स्टेड रहे टुगेदर साथ में, इसलिए अब वो एक साथ नहीं रहेंगे. एंड ईच वेंट अवे बाय हिमसेल्फ, एंड ईच प्रत्येक वेंट अवे दूर चला गया बाय हिमसेल्फ अपने आप, और हर एक अपने आप दूर चला गया एक दूसरे से. दिस वाज व्हाट द लॉयन विश्ड, दिस वाज यही तो था व्हाट जो कि द लॉयन शेर विश्ड चाहता था, यही तो शेर चाहता था. सो वन डे ही स्प्रैंग अपॉन ए बुल, एक दिन वो झपटा यानी कि अचानक उसने हमला किया, स्प्रैंग अचानक हमला करना, अपॉन ए बुल एक बैल के ऊपर, एंड किल्ड हिम से मार दिया. द अदर बुल्स डिड नॉट कम टू हिज हेल्प, बाकी जो बैल हैं वो उसकी हेल्प के लिए नहीं आए. नेक्स्ट वीक द लॉयन पाउंस्ड ऑन अनदर बुल एंड एट हिम अप, अगले दिन जो है वो उछल के अचानक हमला उसने दूसरे बैल पे करा, अगले सप्ताह नेक्स्ट वीक ऑन अनदर बुल दूसरे बैल पे, एंड एट हिम अप और उसे खा गया. ईट की सेकेंड फॉर्म होती है एट, ए टी ई. द अदर टू बुल्स डिड नॉट कम टू हेल्प देयर फ्रेंड, अदर टू अन्य दो बुल्स बैल डिड नॉट कम नहीं आए टू हेल्प मदद करने के लिए देयर फ्रेंड अपने मित्र के. अन्य दो जो बचे थे, एक तो पहले मर चुका था, तो अन्य अब दूसरे पे हमला करा तो बाकी चार में से तो दो अलग थे, वो अपने दोस्त की मदद के लिए नहीं आए. दे केप्ट स्टैंडिंग एंड वॉचिंग दिस ड्रेडफुल सीन, वो इस भयानक ड्रेडफुल भयानक सीन को देखते रहे, केप्ट स्टैंडिंग खड़े रहे और इस भयानक सीन को देखते रहे. आफ्टर ए फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद द लॉयन अगेन केम टू द फील्ड, शेर दोबारा खेतों में आया. ही वॉज हंग्री, वह भूखा था. सो ही जम्प्ड अपॉन द थर्ड बुल, इसलिए वह कूदा अपॉन ऊपर द थर्ड बुल तीसरे बैल के ऊपर, एंड एट हिम टू, टू मीन्स भी, टी डबल ओ टू मीन्स होता है भी, और एट खा गया तो, और वो तीसरे बैल को भी खा गया. बाई दिस टाइम, इस समय तक ओनली वन लास्ट बुल, सिर्फ एक आखिरी बैल जो है देयर वाज इन द फील्ड, जो खेत में था वो एक ही बैल बचा था. आई विल ईट द होल ग्रास, अब वो सोच रहा था बैल कि अब मैं अकेला पूरी घास खाऊंगा. देर इज नन विद हुम आई हैव टू शेयर इट, अब वो सोच रहा था कि अब कोई नहीं है जिसके साथ मुझे इस घास को शेयर करना है. वाट अ हैप्पी पर्सन आई एम, मैं कितना खुश हूँ अपने आप में, कितना खुश व्यक्ति हूँ. लाफ द बुल, जो आखिरी बैल बचा था वो हंसते हुए बोला. बट हिज हैप्पीनेस डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, लेकिन उसकी खुशी है डिड नॉट नहीं रुकी लास्ट लॉन्ग, लंबे समय तक उसकी खुशी नहीं रही. वन डे एक दिन, व्हेन ही वाज ग्रेजिंग, जब ही वाज वह था ग्रेजिंग चर रहा इन द फील्ड खेत में, जब एक दिन जब वह खेत में चर रहा था. द लॉयन केम एंड स्प्रैंग अपॉन हिम, शेर आया और उसके ऊपर भी अचानक उछलकर हमला किया. ही टोर हिम टू पीसेज, ही टोर, टोर मतलब फाड़ देना, टीयर होता है, टी ई ए आर, टीयर, टीयर की सेकेंड फॉर्म होती है टोर, टी ओ आर ई. ये सेंटेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट में, इसलिए यहाँ वर्ब की सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल हुआ टीयर की. तो ही टोर हिम टू पीसेज, उसने उसे टुकड़ों में फाड़ दिया. एंड एट हिम, और उसे खा गया. सम ओल्ड एनिमल्स हु वर वॉचिंग दिस हॉरिफाइंग सीन स्टेल्थिली सेट टुगेदर, कुछ जो अन्य जानवर जो इस भयानक सीन को देख रहे थे, इस भयानक सीन को देख रहे थे स्टेल्थिली यानी कि सीक्रेटली, चुपके से उन्होंने एक दूसरे से कहा, इट इज वेल सेड, यह बात बिल्कुल ठीक कही गई है, दैट यूनाइटेड वी स्टैंड, कि एकता में हम एक साथ खड़े रह सकते हैं. एंड डिवाइडेड वी फॉल, डिवाइडेड यानी कि अगर बट गए, अलग हो गए, तो हम गिर जाएंगे, फॉल यानी कि मर जाएंगे, यानी कि हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा. तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, जैसा कि हमने देखा कि चारों बैल जब एक साथ रहते थे तो शेर की भी उनके ऊपर जो है हमला करने की हिम्मत नहीं हुई, और जैसे ही वो अलग अलग रहने लगे तो एक एक करके उन्हें चारों को मार दिया गया. तो इस समय शिक्षा मिलती है कि जो है हमें सबको एक साथ रहना चाहिए, एकता में ही शक्ति है. यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल. मैं आशा करता हूँ आप सबको लेसन अच्छे समझ में आया होगा. धन्यवाद.